What's up दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के एक स्ट्रिक्ट एक्शन के बारे में जो व्हाट्सएप ने लेना शुरू कर दिया है अपने यूजर्स के अगेंस्ट। अब दोस्तों, क्या है वो एक्शन और क्या किस तरीके से जो है ना आप इससे बच सकते हैं उसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो आखिर तक। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करता हूं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को दबा के, और साथ ही में आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ऑब्वियसली व्हाट्सएप जो है ना वो एक इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है, आपको तो मालूम है इस बारे में, और कितनी जरूरी हो गई है वो आज के टाइम पे एक यूजर के लिए। मतलब जितना जरूरी आपका आपके लिए एक मोबाइल हो गया है अपना खुद का, उससे ज्यादा जरूरी ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो गई, क्योंकि अपनी ऑफिशियल पर्सनल सारी कॉन्वर्जेशन जो है ना व्हाट्सएप पे हो जाती है। लेकिन व्हाट्सएप ने जो है ना दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है कुछ यूजर्स के अगेंस्ट। अब दोस्तों ये है क्या, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप यूज करते हैं ये एक्चुअली में उनके लिए एक्शन नहीं है, लेकिन जो व्हाट्सएप के नाम पे जो दूसरी एप्लीकेशन चालू है उनको जो यूज करते हैं उन यूजर्स के अकाउंट्स को व्हाट्सएप ने बैन करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों इन एप्लीकेशन में व्हाट्सएप प्लस और व्हाट्सएप जीबी भी शामिल है। अब दोस्तों व्हाट्सएप का ऐसा मानना है कि ये एप्लीकेशन के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है और जो भी इन एप्लीकेशन के सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उस सिक्योरिटी पैरामीटर से व्हाट्सएप खुद वाकिफ नहीं है और उसको नहीं मालूम है, और एक तरीके से व्हाट्सएप का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पॉइल करती है। तो इसीलिए दोस्तों व्हाट्सएप ने इन एप्लीकेशंस के यूजर्स को बैन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हिंदी में एक फेमस कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ गुन भी पिसता है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप के कुछ ऑफिशियल यूजर्स भी जो है ना बैन हो रहे गलती से। अब जनरली दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाट्सएप की तरफ से जो है ना यूजर्स को मैसेज आ रहा है कि योर व्हाट्सएप अकाउंट हैज़ बीन बैंड फॉर सम सिक्योरिटी और ऑफिशियल रीजंस, ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये इशू जो है ना वो व्हाट्सएप के ऑफिशियल यूजर्स के साथ में भी हुआ है कभी कभी। मतलब कुछ लोगों को जो ऑफिशियल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं का भी अकाउंट बैन हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है ना कुछ डरने की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको एक व्हाट्सएप का मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्टली, वहाँ पर जो है ना व्हाट्सएप का कस्टमर सपोर्ट है, वहाँ पर जो है ना आप ईमेल कर सकते हैं अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर जो आपने व्हाट्सएप से लिंक किया है, और उसको आप बोल सकते हैं कि आप जो है ना व्हाट्सएप ऑफिशियल यूज़ कर रहे थे लेकिन फिर भी जो है आपके व्हाट्सएप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। वहाँ से जो है ना दोस्तों वो लोग कुछ वेरिफिकेशन चेक करेंगे और उसके बाद में आपके अकाउंट को दोबारा इनेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप की, और ऑब्वियसली दोस्तों मेरे हिसाब से ये चीज़ सही भी है, क्योंकि अगर आप कोई एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप कोई एक कंटेंट बनाते हैं और आपके नाम के ऊपर कोई दूसरा इंसान उस बेसिस का कंटेंट बनाता है और उसके बाद में अपने नाम से उसको मार्केट में देता है और उसके बाद में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे चेंज कर देता है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जो ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है जो भी कुछ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों व्हाट्सएप का जो ये स्टेप है वो सही है, ताकि ऐसे सब फेक एप्लीकेशन जो है ना वो बंद हो जाएंगी, और वहाँ से ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यूजर्स जाएंगे तो ऐसे सब फेक एप्लीकेशन जो है ना वो बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कैसे लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, और फिर भी अगर दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स कॉलम में ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करते रहिए दोस्तों कंटिन्यूसली। मतलब आपका जहाँ जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे अकाउंट है वहाँ पर प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ट्रस्ट मी डजन कॉस्ट इवन अ सिंगल रुपी, और ऑब्वियसली हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ताकि हम जो है ना जल्दी से अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर दे। बहुत करीब है दोस्तों, अराउंड 2,100 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए, तो बस आपका सपोर्ट जो है ना हमें चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।